हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका एक न्यू डिफेंस रिलेटेड वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत अपना खुद का एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एम का बना रहा है। दोस्तों, इसके बारे में पहले बताया गया था कि जो इसका पहला प्रोटोटाइप है वो 2024 में बनकर तैयार होगा और जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट है वो 2028 तक एक्सपेक्ट की जा रही थी। DRDO और HAL मिलकर इस प्रोग्राम को पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों, अब HAL चेयरमैन श्री आर माधवन की तरफ से यह बयान आया है कि भारतीय वायुसेना की हाल ही की ज़रूरतों को देखते हुए एम का प्रोजेक्ट में और पहले से भी ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी और जो इसका फर्स्ट फ्लाइट 2028 तक एक्सपेक्ट की जा रही थी उसको अब 2026 में ही अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, HAL और DRDO के अलावा इसमें एक प्राइवेट कंपनी को भी शामिल किया जाएगा, वो टाटा या फिर कोई अन्य कंपनी भी हो सकती है जो इसके प्रोडक्शन लाइन को पूरा करेगी। पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए भारत और रसिया मिलकर FGFA प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे थे, लेकिन जब भारत ने इसमें कुछ बदलाव की बात कही तो रसिया ने इसे मना कर दिया था और इसको देखते हुए भारत ने अपने आप को FGFA प्रोजेक्ट से अलग कर लिया और खुद का अपना एम का प्रोजेक्ट शुरू किया था। दोस्तों, एम का में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है जो कि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को इक्विप किया जाएगा। और दोस्तों, 2030 तक अपना जो एम का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है वो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के ज़्यादातर देश अपनी वायुसेना में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को शामिल कर चुके हैं या फिर शामिल करने वाले हैं और कुछ देश तो अपने सिक्स जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम करना शुरू कर चुके हैं, ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास भी अपना खुद का एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होना ही चाहिए। अगर भारत को महाशक्ति बनना है तो भारत को एक स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत होगी और भविष्य में केवल फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट ही वायुसेना की ज़रूरत ही होगी और सभी देश इस पर काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को फिफ्थ जनरेशन और सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट दोनों पर काम करना चाहिए? कमेंट में जरूर